हर साल जो है हारून संजर मेमोरियल ट्रॉफी का जो उद्घाटन है, डे वन की जो ओपनिंग होती है वो हमारे और आपके आमदार नवाब मलिक साहब के हाथों से होती है। एक सुखद पल भी है और एक दुखद पल भी है कि इस वक्त नवाब मलिक साहब हमारे साथ में नहीं है। आप क्या कहेंगे भाई? जैसे आप बता रहे हैं और जैसे पूछ रहे हैं, वो एक बहुत दुखद पल ही है कि मेरे लिए बहुत ही सेंसिटिव इशू है और बहुत एक दुविधा में और बोलते ना एक निराशाजनक हो जाती है जब मैं वो चीज़ के बाद में सोचती हूँ कि ये चीज़ हमेशा मेरे अब्बा किया करते थे और उनके गैरहाजिर में मुझे वहाँ जाके ये चीज़ करनी पड़ रही है। रिस्पेक्ट तो बहुत मिलती है उनके नाम से, लेकिन उनकी जो कमी है वो बहुत खलती है। जलाल भाई को मैंने बोला था कि भाई हो सकता है तो आप किसी और से ये उद्घाटन करा लीजिए, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत जज्बात में कुछ चीज़ें बोली, इसलिए मैं इधर आके वो मेरे मौजूदगी में उन्हें वो कराया और मैंने किया। मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी गई और बहुत प्यार मिला, लेकिन वो एक जो 10-15 मिनट का बोलते ना मेरा इधर का विज़िट था बहुत ही सेंटिमेंटल था। मैडम, जिस तरीके से नवाब मलिक ने एक स्लोगन दिया था, लड़ेंगे और जीतेंगे, पिछले कुछ वक्तों से मलिक परिवार के ऊपर संकट की घड़ी आते जा रही है, यूं कहे कि शनि भारी है। पिछले कुछ दिनों पहले आपके भाई और भाभी के नाम पे एक बोगस केस रजिस्टर हुआ था, आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं इसमें एक अपोजिशन की साजिश थी? भाई जिस दिन 23 फरवरी को जब उनको घर पे से एज नॉर्मल प्रोसीजर उठा के उनको ले गए, बोल के कुछ प्रोसीजर्स है फॉलो करने हैं और उसके बाद उनको उधर पूरी एक षड्यंत्र के तौर पे अरेस्ट कर लिया गया। तो जब वो अरेस्ट के बाद उनको कोर्ट लाया जा रहा था तो उन्होंने क्लियरली एक चीज़ बोला था, लड़ेंगे और जीतेंगे। उनके गैरहाजिरी में मैं भी ये 11 महीने से लड़ रही हूँ और मैं को ये यकीन है कि जिधर जिधर मैं उनकी वो लड़ाई जारी रख रही हूँ मुझे कामयाबी उनके ज़रिए से मिल रही है। और जहाँ तक मेरे और भाई और भाभी का केस का सवाल है, 18 की सुबह हम भी उठे कि अचानक हमको कुछ न्यूज़ पड़ा चलती जिसके बारे में हमको पिछले 4-5 साल से कुछ नहीं मालूम, लेकिन पिछले दो तीन दिन पहले हमको कोर्ट का ऑर्डर आया, उनको प्री अरेस्ट बेल मिली और कोर्ट का स्पेसिफिक फाइंडिंग था कि ऐसा कोई फ्रॉड किया है या उनका कोई इंटेंशन था बोगस सर्टिफिकेट से कुछ हासिल करने का या उन्होंने बोगस सर्टिफिकेट बनाए, ऐसा कुछ साबित नहीं होता। तो प्राइमा फेसिया उन्होंने दिखाया, कोई मेंस रिया नहीं था, कोई इंटेंशन नहीं था। मैडम, जितनी आपकी एज नहीं है उससे डबल बड़ा ये प्रोग्राम है, मतलब यूँ कहें कि आप बहुत 44 इयर्स प्लस। तो सना मैडम क्या कहेंगे कि संजर फैमिली जो है पिछले 44 साल से इस प्रोग्राम को मैनेज करता हुआ आया है, आप उनकी फैमिली को क्या विश देंगे? भाई पहले ये आवाज़ आलम के नाम पे चलता था, मुझे खुद थोड़े दिन पहले मालूम पड़ा कि ये आवाज़ आलम से, मुझे वो नाम बहुत पसंद आया। और इधर हम जब आते हैं, अभी वो मेमोरियल ट्रॉफी हो गई, अभी हम जब आते हैं तो ये माहौल ही वैसा है कि वो आवाज़ आलम है और मैं उनको इससे भी और बड़ा बोलते ना टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने की वो देती हूँ, मतलब उनको मुबारकबाद देती हूँ कि इससे भी बड़ा उनको और मतलब सफलता हासिल हो इसमें। उन्होंने पूरे चीता कैंप को इधर इकट्ठा किया, ऑलमोस्ट चीता कैंप का पूरा यूथ इधर इकट्ठा हुआ है और होने के बाद एक यूनिटी और इक्वालिटी का एक मैसेज देते हैं। कहेंगे ये आज जो ये टूर्नामेंट हो रहा है एक भव्य टूर्नामेंट है। सर मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ, पिछले 44 साल से वारिस सर आप बिलीव नहीं करेंगे, पिछले 44 साल से ये क्रिकेट टूर्नामेंट एज इट इज़ हो रहा है। 3-4 बार तो मैं आया हूँ इसके अंदर, अब बीच में लॉकडाउन था तो शायद उस वक्त नहीं हुआ, लेकिन मैं खुद आता हूँ और एक इलेक्ट्रीफाइंग एटमोसफियर होता है, एक खुशी का माहौल होता है और अच्छे प्लेयर खेलते हैं, अच्छी टीमें खेलती है और हमको बुलाते हैं, मौका देते हैं प्लेयर्स के साथ इंटरेक्ट करने का, मैच देखने का। और स्पोर्ट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान की ज़िंदगी के अंदर, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना हमेशा से हमारा ये रहा है, हम स्पोर्ट्स के साथ थे हैं रहेंगे। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, वो भी हर साल मतलब बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी का ये किए सबको बुलाते हैं, ये हर पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हो हमारी दोस्त की बेटी, नवाब भाई की बेटी यहाँ पर बैठी हुई है, सब है यहाँ पर, कांग्रेस के लोग हैं, राष्ट्रवादी के लोग हैं। और स्पोर्ट और एक अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है, पिच भी अच्छी है, प्लेयर अच्छे हैं, होना चाहिए इस तरह का टूर्नामेंट। एक्स नगर सेवक शाहनवाज शेख जी मौजूद है। शाहनवाज भाई, एक क्रिकेट का टूर्नामेंट 44 साल से हो रहा है, अब फाइनल हो गया है, आप क्या मैसेज देंगे क्रिकेटर्स को? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है ये हारून संजर मेमोरी जो ट्रॉफी जो है
मैं इनका जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा, जमाल संजर साहब का और जलाल संजर साहब का और जितनी भी जो पूरी फैमिली है उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा, और चिता गेम की जो कमेटी है जो बोर्ड है उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा इवेंट जो रखते हैं। ये चिता गेम का सबसे बड़ा मैं कहूँगा कि वर्ल्ड कप है, ये 45 ईयर्स हो गए हमारे चिता गेम को इधर बसे हुए, और मगर 44 ईयर्स से जो ये टूर्नामेंट जैसा था वैसी चलते आ रहा है, और यहाँ से कई सितारे जो उभर के जो है इंशाल्लाह हमारे आगे भी बढ़े। तो हमारी यही हमारी कोशिश है कि हमारे नौजवानों के लिए हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि इंशाल्लाह एक ये ग्राउंड है और आने वाला जो दूसरा करबला मैदान जो ग्राउंड है इंशाल्लाह हम चिता गेम की एक एकेडमी बनाएंगे, एकेडमी बना के जो है जिसमें जो है हम हमारे बच्चों को क्रिकेट फुटबॉल वॉलीबॉल ये इसका एक पर्सनली कोच रखकर जो है हमारे बच्चों को जो है कोच के जरिए ट्रेन किया जाएगा। और तो ऐसा होता है कि मैनेज हम नहीं करते हैं, अल्लाह करा देता है, और इसमें यहाँ पे जो मकामी नौजवान हैं दूसरी क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं वो लोग हमारा बड़ा साथ देते हैं इस मामले में। अभी आपने देखा होगा शाम में पूरा ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन यहाँ पे स्टेज पे जलवा अफरोज था, और फिर आपने देखा रहेगा बम्बई के मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ पे आए हैं, यानी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए, सामाजिक खिदमत से जुड़े हुए, कानून से जुड़े हुए लोग और जर्नलिज्म से जुड़े हुए लोग सब लोग आते हैं। तो उनकी आमद से और उनके आने से यहाँ पे हमारी हिम्मत बढ़ती है, हमें हौसला मिलता है, और हमारे भाई ने जो बीज बोया था 44 साल पहले क्रिकेट का बीज यहाँ पे इसीलिए बोया था कि यहाँ पे लोग जो है नौजवान जो है खेल की तरफ आए। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ राजू चौधरी जी, एडवोकेट फरहीन हमारे साथ राजू चौधरी जी की साहबजादी है, हमारे साथ मौजूद है। मैडम बहुत आप इस टूर्नामेंट में आई है और 2-3 साल से आप इस टूर्नामेंट में आ रहे हैं। पहले तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पिछले साल मैडम ने एक वादा किया था कि प्रहारी मुंबई न्यूज़ की तरफ से या फिर किसी भी स्लम की बस्ती में से किसी का भी केस अगर मैडम के पास जाता है और वो फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है तो मैडम ने जो है उनकी 50% फीस लेकर उनका काम किया है, और बहुत सारे लोगों का जो है उन्होंने मुफ्त में केस लड़ा है। तो मैडम आपका बहुत बड़ा दिल है, आपके पिता की तरह मैं कहूँगा कि जिस तरीके से क्रिकेट के टूर्नामेंट्स चिता गेम में होते हैं और संजर फैमिली पिछले 44 साल से इस टूर्नामेंट्स को रख रही है, आप क्या कहेंगे? पहले तो बहुत बहुत मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी जलाल अंकल को, बिकॉज़ ये उनकी मोहब्बत है जो मुझे यहाँ तक ले आती है। वो हर साल ये टूर्नामेंट रखते हैं और बेटी की जैसे मुझे यहाँ पे इनवाइट करते हैं, उसके लिए उनका बहुत बहुत थैंक यू। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा जाता है और हर साल कुछ ना कुछ प्रोग्रेस मैं इसमें देख रही हूँ, विच इज़ वेरी गुड। और यूथ को जिस तरीके से वो इंस्पायर कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के टूवर्ड्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह वील डू इवन मोर बेटर, और चाचा पे जलाल अंकल पे मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि वो इस टूर्नामेंट को काफ़ी बड़ा बना सकते हैं और इम्प्रूवमेंट वो इसमें करेंगे इंशाल्लाह। एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच टू जलाल अंकल फॉर दैट। और रही बात मेरे प्रोफेशन की या किसी को हेल्प करने की लगी या मेरे प्रॉमिस की जो मैंने लास्ट टाइम की थी तुम्हारे थ्रू इस पूरे चिता गेम के अपने लोगों को, उसके लिए मैं ट्राई कर रही हूँ अपना बेस्ट। मैं चाहती हूँ कि लोग आए मेरे पास और अगर उनको इस चीज़ से किसी भी चीज़ का अगर डर हो कि हाँ मेरे पास पैसे नहीं है या फिर मैं बोलूँगी तो लोग क्या बोलेंगे एंड ऑल ऑफ दैट, उस बात से एक्चुअली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो लास्ट टाइम मैंने प्रॉमिस की थी बहुत लोग तो नहीं आए थे पर जितने भी लोग आए थे मैंने मेक श्योर की 50% की तो बात ही नहीं है, जैसे जो वो 50% भी नहीं दे सकता है मैंने उन लोगों के लिए भी क्यों, और मैं इंशाल्लाह आगे भी करने की हिम्मत रखती हूँ, और मैं ये मेरी ये कोशिश रहेगी कि जितना मैं बेस्ट लोगों के लिए कर सकूँ वो करूँ, क्योंकि अगर मैं एडवोकेट बन रही हूँ और उसमें मेरे एरिया वालों की प्रोग्रेस नहीं है तो फिर मैं नेशन की प्रोग्रेस कहाँ से लाऊँगी। सो बेसिकली मेरे को स्टार्ट तो मेरे एरिया वालों से ही करना है, और मैं चाहती हूँ कि चिता गेम बहुत अच्छे से डेवलप्ड हो जाए और हम लोगों को वो हिम्मत रहे कि अगर हमारे अगेंस्ट में कुछ गलत हो रहा है तो वो हम बोल सके। तो क्योंकि जस्ट बिकॉज फाइनेंशियली सेटल्ड नहीं है या फाइनेंशियली ठीक नहीं है और इस रीज़न से उनके राइट्स दब रहे हैं तो वो मैं कभी होने नहीं देना चाहूँगी।